योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बुलडोजर की कार्यवाही का असर दिखाई देने लगा है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में शनिवार को योगी का बुलडोजर मीरापुर के मुख्य बाजार में बस स्टैंड कमलियान पड़ाव चौक में जमकर चला। इस दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रतिष्ठानों के सामने स्लैब नुमा पक्के अतिक्रमण हटाए। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह और ईओ कमलाकांत राजवंशी के निर्देशन में नगर पंचायत मीरापुर एवं पुलिस की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जमकर कार्यवाही की। बस स्टैंड के निकट एक होटल समेत कई प्रतिष्ठानों द्वारा मुख्य मार्ग तक बनाए गए पक्के स्लैब नगर पंचायत मीरापुर की जेसीबी से ध्वस्त करा दिए। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह और ईओ मीरापुर कमलाकांत राजवंशी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से नगर में हड़कंप मच गया था। मेन बाजार में विभिन्न क्षेत्रों से फंड कारोबारी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान टीम पहुंचने से पहले ही अपने अस्थायी प्रतिष्ठान हटा दिए थे। वहीं व्यापार मंडल के महामंत्री अनिल नंदवानी ने बाजार में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करते हुए कहा कि कस्बे की मुख्य समस्या जलभराव और तालाबों पर किए गए अतिक्रमण है। प्रशासन को सर्वप्रथम तालाब से अतिक्रमण हटवाना चाहिए। ये ऊपर से प्रशासन का आदेश है कि अतिक्रमण हटाया जाए और एक अभियान के तहत आज पूरे जनपद में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या इससे पूर्व भी सूचना दी गई थी? हाँ, कल एसओ साहब द्वारा पूरे नगर में जो है अपनी गाड़ी से इसका अनाउंस कराया गया था और उन्होंने बताया कि अनाउंस हो चुका है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हटाया जा रहा है। आज के बाद अगर दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो क्या? दोबारा भी हटाया जाएगा, अतिक्रमण किसी का रखा नहीं जाएगा। कोई कार्रवाई भी की जाएगी? कार्रवाई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो आदमी नहीं मानेगा उसके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ईओ कमलाकांत राजवंशी ने कहा कि नगर के मुख्य बाजारों और क्षेत्र के हाईवे से जुड़े अतिक्रमण चिन्हित करने और हटाने का अभियान सख्ती से जारी रहेगा। उन्होंने कहा जिन क्षेत्रों में लाल रंग से अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रशासन की कार्यवाही से बचने के लिए कारोबारी स्वयं अतिक्रमण हटा ले।